माननीय प्रधानाचार्य जी से विनम्र निवेदन है कि आज यह शिक्षक दिवस जिस महानुभाव के लिए मनाया जा रहा है उन पर पुष्पार्चन और पुष्पार्चन करने की कृपा करें माननीय प्रधानाचार्य जी। भैया हिमांशु और पान अस्मिता जी आचार्य जी, आचार्य बहने एवं यहाँ भी उपस्थित मेरे प्रिय सहपाठी भैया और बहनों, आज मैं आप सबके समक्ष शिक्षक दिवस के विषय में कुछ बात प्रस्तुत करना चाहती हूँ। शिक्षक राष्ट्र निर्माण पूज्य माण पूज्य गौरव वंदिता सर्वेशम सनातनोयम परंपरा स्वस्थस्तु ते कुशलमस्तु चिरायुरस्तु विद्या विवेक कृति कौशल्य सिद्धिरस्तु ऐश्वर्यमस्तु बलमस्तु सदा जयोस्तु राष्ट्र सदैव भवता ही सुदीर्घितोस्तु।
सत्य और धर्म ये दोनों भारतीय दर्शन की दो आंखें हैं। भारतीय मनुष्य इन्हीं दोनों आंखों से दुनिया को देखता है और जीवन के फैसले लेता है। सत्य और धर्म के बिना भारतीय मनुष्य अपने जीवन की कल्पना नहीं करता। We are born to love, not to hate. We are born to help one another, not to destroy one another. Dr. Sarvepalli Radhakrishnan. विद्या धन अनमोल है, कोई न ले चुराए। जो जो देते हो तो बढ़े, बिन खर्चे घट जाए। अंग्रेजी के प्राकृत विद्वान शिक्षा जगत के मानदंड विश्वविद्यालय के संचालन में दक्ष महान नेता सुलझे के राजनीतिविद भारतीय सांस्कृतिक एवं अध्यात्म के शिखर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन असाधारण शरीर में कैसा असाधारण व्यक्तित्व था। उसकी पकड़ से कोई मानवीय गुण बचा नहीं, कोई योग्यता नहीं, कोई क्षमता नहीं। ऐसे कर्तव्य परायण व्यापक सहानुभूति से परिपूर्ण स्वास्थ्य एवं उचित निर्णय के स्तंभ चरित्र को समझने की सामर्थ्य अपने कार्य से प्रेम आत्मनिर्णय की सफलता अपुरुषेय साहस कुशल नेतृत्व जनतंत्रीय दृष्टिकोण चुंबकीय व्यक्तित्व के महान नायक का शिक्षक दिवस के साथ साथ वंदन अभिनंदन। भारतीय इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में जिनका नाम अंकित है, एक वेद वेदांग के साथ दर्शन के महान प्रणेता के रूप में, भारत के महान पंडित के रूप में, कुशल राजनीतिज्ञ के रूप में, जिनका जीवन भारत ही नहीं दुनिया के लिए एक आदर्श के रूप में रहा, ऐसे भारतवर्ष के द्वितीय राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिनका आज जन्मदिवस है, उनके चरणों में प्रणाम करते हुए श्रेष्ठवर आचार्यगण, श्रेष्ठवर आचार्य प्रिभेदगण, स्वास्थ्य बहुत समीचीन नहीं है, लेकिन आज का पर्व है, इस नाते बोलना है, किसी आचार्य जी को बोलना चाहिए। हम अपनी बात शुरू करते हैं। महर्षि वाल्मीकि को आदि कवि माना जाता है, जिन्होंने रामायण को संस्कृत भाषा में लिखा, दुनिया की सर्वश्रेष्ठ भाषा जिसे सुर भाषा के रूप में माना जाता है वो संस्कृत भाषा है। तो उसमें उन्होंने वाल्मीकि ने प्रथम श्लोक जो लिखा, भगवान राम के बारे में लिखा, और संस्कृत भाषा में जो हमारी विभक्तियां हैं उन विभक्तियों का प्रयोग एक श्लोक में ही हुआ है। एक श्लोक में सारी विभक्तियां आ गई। लिखा उन्होंने, श्री रामः शरणं समस्त जगतां, रामं विना का गति, रामेण प्रतिहन्यते कलिमलं, रामाय कार्यं नमः। रामात् पश्यति कालभीम भुजगो, रामस्य सर्वं वशे, रामे भक्तिरखंडिता भवतु मे, रामते राम त्वमेव आश्रयः। पूरी विभक्तियों का प्रयोग इसमें एक श्लोक में उन्होंने किया है, प्रथमा से लेकर के सप्तमी तक का। और वाल्मीकि ने कहा है कि हर तरह से राम जो है सबके आधार हैं। इसी का समन्वय रूप भारत का जो दर्शन है, पाश्चात्य से मिलाने का कार्य जो किया वह सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने किया। भारत के पहले व्यक्ति थे जो इंग्लैंड के ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में जाकर के दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर बने, जहां से उन्होंने परास्नातक किया, उसी विद्यालय में उसी विद्यालय के वाइस चांसलर हुए। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय यहाँ प्रेसिडेंसी मद्रास में जन्म हुआ, मद्रास के पास एक छोटे से गांव में ब्राह्मण कुल परिवार में जन्म हुआ,
शिक्षा दीक्षा गांव में, प्रारंभिक शिक्षा इनके ऐसे विद्यालय में हुई जहां का संस्कार उस समय क्रिश्चियनिटी थी, ईसाइयत थी देश के अंदर, ऐसे विद्यालय में हुआ। और घर का वातावरण जो हिंदू रीति नीति के हिसाब से अच्छा नहीं लगता, लेकिन उसके बावजूद भी समन्वय उन्होंने किया और उच्च शिक्षा पूर्ण करने के बाद उन्होंने, उनके मन में भाव था कि हमें क्या करना चाहिए। जब जन्म हुआ 1888 5 सितंबर, उस समय देश परतंत्र था, देश की स्थितियां विषम थी, ऐसे विषम परिस्थितियों में शिक्षा ग्रहण करके और फिर भारत की जो संविधान निर्मात समिति है, उस भारत के संविधान निर्मात समिति में भी सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। राजनीति में प्रवेश किया इन्होंने, 40 वर्ष तक इनका जीवन शिक्षक का था। और जब शिक्षक का जीवन अधिकाधिक समय जब शिक्षक का जीवन बीता तो शिक्षक के क्या गुण होने चाहिए, हम लोगों ने अभी हमारी दो बहनों ने उस विषय को बताया, इतने नहीं। वास्तव में शिक्षक होता क्या है, जब इस पर विचार करते हैं तो हमारी गुरुकुल परंपरा में जो गुरु का स्थान होता है भगवान से भी श्रेष्ठ माना जाता है। तभी तो कहा जाता है गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वर गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री। जानते हम सब हैं, जानते हैं, लेकिन जीवन में उतारने का प्रयास नहीं करते हैं। जीवन में उतारने का प्रयास करना चाहिए। गोकार्थ होता है अंधकार, रूपार्थ होता है दूर करना। तो शास्त्र उसको विहित रूप से परिभाषित करता है तो कहता है गरक सिंचित करणाभ्याम यो मृतम स गुरु इति। जो शिष्य के कानों को अमृतमय वाणी से सींचता है वो गुरु है, जो जीवन के अंधकार को दूर करता है वो गुरु है, जो विपथगामी है उनको सदमार्ग पर लाने का कार्य गुरु करता है, जीवन में अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने का खींचने का कार्य जो करता है वो गुरु है। तो गुरु है, गुरु की महिमा बहुत है। और फिर ये शिक्षक दिवस लोगों ने जैसा कि बताया भैया अभिषेक ने, जब 1962 में भारत के राष्ट्रपति बने तो उनके शिष्यों ने सोचा कि इनके जन्मदिवस को मनाया जाए, तो उन्होंने कहा कि ठीक है हमारा जन्मदिवस जो है वो शिक्षक के रूप में, शिक्षक दिवस के रूप में मनाया। उनके जीवन का संकल्प था कि हम जीवन भर शिक्षक के रूप में हैं। बहुत सारे उन्हें पुरस्कार मिले, भारत रत्न का पुरस्कार मिला उन्हें। केवल भारत रत्न का ही पुरस्कार नहीं, मरणोपरांत अमेरिका जैसे देश ने धर्म के लिए सबसे बड़ा पुरस्कार उनको दिया। ब्रिटिश एकेडमी के सदस्य रहे, नाना प्रकार के उनको पुरस्कार, गोल्डन स्पर, ऑर्डर ऑफ मेरिट, ऐसे सम्मानों के साथ उनको पुरस्कृत किया गया। इतना ही नहीं, इसके बाद भी उनका जो जीवन था, एक दो संतानें नहीं थी, 5 बेटियां थी, 1 बेटे, उनकी शिक्षा दीक्षा, उनके बेटे डॉक्टर गोपाल कृष्णन, वो भी एक बहुत अच्छे भारत के इतिहासकार रहे, उनकी बेटियां भी बहुत ही उच्च पदों पर